गैस, क्या आपके भी सिस्टम के ड्राइव्स में या फिर फोल्डर्स में नंबर ऑफ फाइल्स है जिन्हें पहचानने में आपको तकलीफ होती है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइल्स या फिर फोल्डर का फेसिंग ही बदल दें? फाइल्स के सिक्योरिटी से परेशान हो? सभी सॉल्यूशन के जवाब मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज ऑफ माय चैनल हाउ टू विंडोज एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर है जिसके आइकॉन और उसको कस्टमाइज किया है। आइए देखते हैं हम बाकी के फोल्डर को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फोल्डर का आइकॉन कैसे चेंज करें। देख, तो गाइज, आपको फोल्डर का आइकॉन चेंज करने के लिए .iso एक्सटेंशन वाली फाइल्स डाउनलोड करने पड़ेंगी, जो आइकॉन फाइल होती है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ फाइल्स डाउनलोड की है, हम ये वाली और ये वाली, ये दोनों फाइल्स को फोल्डर पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाना है, कस्टमाइज में, यहाँ पे जो चेंज आइकॉन करके आता है उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम के कुछ आइकॉन्स दिए गए हैं, आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो आपको कस्टम करना है तो ब्राउज पे सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आपकी आईसीओ फाइल है उस पर सिलेक्ट जाना है। मैंने यहाँ पे विंडोज फोल्डर्स में कुछ फाइल्स डाले हैं, ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब की आइकॉन फाइल है, मैं उसे उस पर लगाता हूँ। ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे फोल्डर का आइकॉन चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे दूसरे भी आइकॉन्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाइथन का आइकॉन लगाते हैं। ओके कर दो, अप्लाई कर दो, ये चेंज हो गया। अब हम देखते हैं हम फोल्डर के जो डिस्प्ले में जो इमेजेस आती है, ये वाली जो कि है, जो कुछ आपको इमेजेस वगैरह दिखते हैं, तो उसे कैसे चेंज किया जाए, मतलब अपनी पसंद की इमेजेस को। देखिए हम उसके लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, शुभम न्यू करके यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए उसपे बाय डिफॉल्ट के जो इमेजेस है वो लगाने के लिए आपको उसपे राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाइए, कस्टमाइज कीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है फोल्डर पिक्चर्स करके, चूज अ फाइल टू शो ऑन दिस पिक्चर, चूज फाइल करना है और जो आपको इमेजेस पसंद है वो इमेजेस लगानी है। मैं यहाँ पे यूट्यूब की इमेज लगाने वाला हूँ, अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे वो इमेज आ गई। अब इसमें आप जो भी डेटा डालेंगे उसका प्रीव्यू इसमें नहीं दिखेगा, आपने जो इमेज लगाई है वही इसमें दिखेंगी, उससे आप आपकी प्राइवेसी को इम्प्रूव कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है कि इनक्रिप्ट करना। क्या आप आपके ड्राइव को इनक्रिप्ट करना चाहते हो? मतलब अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल है तो नॉर्मली आपका फोल्डर दूसरे यूजर से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप आपके फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे जो है आप इसमें बहुत सारे एट्रिब्यूट दिए गए, एक है रीड ओनली और हिडन। अगर आप उसे हिडन कर दोगे तो आपको आपकी सिस्टम से ही आप उसे टेम्पररीली हाइड कर सकते हो, लेकिन वो हाइड दिस पीस में व्यू में जाके आप उसे देख सकते हो हिडन आइटम को चेक करके। लेकिन जब एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे आपको एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा करके ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे चेक कर देना है और अप्लाई कर देना है, अप्लाई, और आपको विंडो आएगी अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर्स ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल, उसे ओके कर देना है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आइकॉन आ गया है जो है एक लॉक का सिंबल। अब जब भी आप सिस्टम से लॉग आउट करोगे तो या फिर दूसरे यूजर से साइन इन करोगे तो आपको ये फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप आपके ही अकाउंट से इसमें सिस्टम में लॉग इन करोगे तभी आपको ये फोल्डर एक्सेस होगा। अब देखिए विंडोज फोल्डर में आप बहुत सारे फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट रखते हो, लेकिन क्या आपको ऐसा कोई फोल्डर चाहिए जिसमें आप आपकी इमेजेस या फिर सिर्फ वीडियोज ही डालोगे? तो आपको आपका फोल्डर उसके लिए ऑप्टिमाइज करना रहेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
फोल्डर को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कस्टमाइज करो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्हाट काइंड ऑफ फोल्डर डू यू वांट, ऑप्टिमाइज दिस फोल्डर फॉर। यहाँ पे जनरल आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया गया होता है, आप उसको चार कैटेगरी में कर सकते हो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक एंड वीडियो। अब आपको जो चाहिए वो करना है, चेक करो। ऑल्सो अप्लाई दिस टेम्पलेट टू ऑल द सब फोल्डर, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। अब ये फोल्डर प्रॉपरली पिक्चर्स के लिए ही ऑप्टिमाइज हो गया है, तो आप जब भी आप उसमें बहुत सारे पिक्चर्स डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ऑप्टिमाइज करेगा, फाइल्स टाइप्स के हिसाब से सॉर्ट आउट करेगा एक्सेट्रा, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। तो इस प्रकार हम फोल्डर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप आज हमने फोर टाइप्स सीखे जिससे हम फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। आई होप गाइस यू गेट द आईडिया अबाउट हाउ टू चेंज द फोल्डर्स आइकॉन एंड हाउ टू चेंज द सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो प्लीज टेक माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हाउ टू विंडोज की सीरीज लेके आने वाला हूँ और डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, सो दैट यू गेट द मोर वीडियोज एंड द मोर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अबाउट दैट।